राज्यपाल तक पहुंचन च भी साथ दिता किसान करके अभी खुद किसान द किसान परिवार नूं बिलोंग करदे आं किसान दे पुत्त भतीजे आ ते असी किसानां लई साडी जान हाजर है पर ताकि गल दा साथ जिहड़ा उह इस करके भी साडा जरूरी सीगा ताकि इह पता लग जाए कि पूरा पंजाब जिहड़ा है सेंटर तक इह मैसेज पहुंचे उह इकट्ठा है इस मामले ते पर जिस तरीके नाल कांग्रेस जिहड़ी है वो अतिशबाजियां चला रही है लड्डू बन रही है पटाके चला रही है ये कोई उन्होंने जित नहीं हैगी ये तो सिर्फ एक अमेंडमेंट है अमेंडमेंट लेके आए ने उन्होंने बिलों च पंजाब वालों उस उन्होंने सेंटर के बिलों ही अमेंड करने की तजवीज है बेनती है मैनू ये दसो ये तो उही गल होगी कि जिवें प्रिंसीपल द्वारा दिते हुए हुक्म नूं कोई पीटी मास्टर उस बदला करके उन्हूं भेज दे ते अजे प्रिंसीपल कोले पहुंचे भी ना होवे ते पहले ही वह भंगड़ा पाउण लग जाए ते किसान हजे भी सड़कां ते बैठे ने इहदे नाल इक्को ही गल इक्को ही मैसेज गया कि पंजाब जिहड़े आ उह इकट्ठा है इस मामले ते पर विरोधी धिर होण दे नाते असीं इहनां नूं मनमर्जियां करन नहीं देवांगे कैप्टन साहब अक्खां च घट्टा पाउण दी कोशिश ना करन कि साथ देता ते किसानां दा राखा ये वो टाइटल रख के ते उह जिहड़े ने किसानां दे राखे बन गए हजे तां लड़ाई शुरू होनी है लड़ाई तो हजे भी सेंटर नाल ही है सो इस करके असी ये कहना है कि एम एस पी का जिहड़ा बिल है वह पंजाब सरकार क्यों नहीं लेके आउंदी हुण इन्हां ने कहता कि एम एस पी तो घट जिहड़ा खरीदूगा उन्हूं 3 साल की सज़ा की तजवीज़ है पहली गल तो सेंटर जे एम एस पी तो ही मुकर गया जिहड़ा कि उन्होंने शंका हैगी है उन्होंने मंशा हैगी है जे एम एस पी तो ही मुकर गया फिर घट वाधा की है नंबर दो ते जे सेंटर ने कहता सेंटर दी एजेंसियां ने सानूं तां इन्ना चाहिए जी बाकी ने असी खरीदे प्राइवेट प्लेयर कहिंदा मैं भी नहीं खरीदा फिर जिहड़ी फसल बच गई उहनूं कौन चकूगा जी उह कित्थे बेचूगा किसान ते पंजाब सरकार एम एस पी का बिल लैके आवे अज भी साढ़े जिहड़े एम एल ए उन्होंने इस गल ते वाकआउट किया कि पंजाब सरकार गरंटी करे कि जिहड़ी फसल बच गई सरकार जिहड़ी सेंटर दी एजेंसियां दे खरीदण तों बाद उहनूं असी चक्कांगे नाल खरीद की गरंटी भी देवे कि असी एक एक दाणा पंजाब सरकार अपनी एम एस पी लागू करे ते एम एस पी ते कणक ते झोना करते मालवे दे विच कपाह ते नरमा रुल रहा कि पंजाब सरकार उन्होंने किसान नहीं समझती जो कपाह नरमा मक्की वगैरह वह फसलां नहीं समझती उन्होंने सो अखां च घट्टा पाउण की कोशिश ना करन इह कि पता नहीं असी कल जिहड़ा बिल पास हो गया तो असी हीरो बन गए पंजाब का राखा पता नहीं की टाइटल दे रहे ने जिहड़े कांग्रसी ने लड्डू बन रहे ने पंजाब के किसानों के चुल्हों अजे भी अग नहीं मची ये लड्डू जिहड़े ने शायद इन्हां दे 2022 वाले फुट रहे ने वो गलत फहमी च ने लड़ाई सेंटर नाल लड़नी पऊगी वड्डे पद्धर ते जे जे इन्ने ही पंजाब दे राखे कहाउंदे ने कैप्टन साहब तो फिर राष्ट्रपति तो साइन करा के लिआउण फिर उन्होंने चक के बिल परां मारने ने जी उन्होंने ही कह रहे हैं कि तुहाडे बिलों के अमेंडमेंट कर रहे हैं पंजाब दा एक्ट थोड़ी है कोई ये सो एम एस पी का बिल लैके आओ सरकार जिहड़ी है वह पंजाब सरकार खुद गरंटी देवे किसानां नूं कि असी एम एस पी देवे जिनी भी फसल बच गई लड़ाई तो यह है लड़ाई है थोड़ी है कि लो जी असी एक कानून इतने लिया इतों पास हो गया लागू थोड़ी हो सकता है जी कुछ नहीं होया अज तक सो कल मीत हेर होर ने भी उत्थे कल यही बोलिया साढ़े सारे एम एल ए ने भी अंदर यह बोलिया कि पंजाब सरकार गरंटी ये देवे कि असी किसानां दी फसल का कला कला दाणा एम एस पी ते चुकांगे नॉट ओनली कणक एंड झोना बाकी 21 फसलां क्यों छड़ती इन्हां ने सो असी ये गल कहण लई तुहाडे कोल आए हां कि ये जिहड़े अमेंडमेंट है विचाले लफज पाया तो कोई भी सरकार कर दूगी जी असी ऑलरेडी दिल्ली दे विच एम एस पी तो 700-800 रुपया ज़्यादा भा दे रहे हैं दिल्ली की गौरमेंट ठीक है ना सो यह एम एस पी शोर करो प्लस आ जिहड़े बिल ने और रद्द थोड़ी हो गए उहदे नाल ये तो सिर्फ फड़ा के आए हैं तो कहिंदे जी जित गए वह गल होगी सो यह गलत फहमी च ना रहन आम आदमी पार्टी विरोधी पार्टी है असी इन्हों का जीना हराम कर देंगे जिनी देर अस क्योंकि इन्हों बिलों बारे कला कला कलॉज बारे समझा भी साडा फर्ज है कि की ने ये की लिखा हुआ है
ठीक है ना। सो जे कल नूं कोई MSP खरीद तो घट नहीं खरीदता तो जिवें कल मीत होरां ने कहा सीगा उत्थे करप्शन दे जिहड़ा मैं मीत जी नूं कहूंगा वो क्लीयर करन कि जे कोई MSP नहीं खरीदता वे 100 क्विंटल चो मैं 50 क्विंटल खरीद दूंगा तेरी कोई प्राइवेट प्लेयर कह। देखो जी जिवें मान साहब ने पहला भी क्लीयर करता क्योंकि जिहड़े कानून सेंटर गवर्नमेंट ने बनाया पार्लीमेंट च पास होए ने उस तों बाद राष्ट्रपति की मोहर लगी है पंजाब सरकार उन्होंने अमेंडमेंट कितना कर सकती है। पंजाब सरकार को असी कल भी कहा कि जो कोई आपका जो कानून है वो लैके आना चाहिए ये गल का ही सानू पहला तो ही शक सी इस करके असी वैसे तो कानून मुताबक जोड़े बिल ने यह सानू पहला 15 दिन पहला दिन मिलने चाहिए थे पर असी 2 दिन पहला भी सैशन तो स्पीकर साहब को गए क्योंकि सानू उदों तो ही खदशा सीगा भी ये जेडे सानू बिल नहीं दे रहे कोई ना कोई चाल है असी स्पीकर साहब को गए असं उन्होंने कहा भी सानू जी 15 दिन पहला नहीं 2 दिन पहले तुम बिलों की कापी दवा दो सानू 2 दिन पहला नहीं दी असी 1 दिन पहला बेनती की तान दी असी विधानसभा के अंदर धरना लाया तो विधानसभा के अंदर जिहड़े फाइनेंस मिनिस्टर ने मनप्रीत सिंह बादल ने अंदर कहा कि जी 5 बजे तक जिहड़े बिल ने वो सारे मैंबरस मिल जाएंगे असी सारी रात अंदर बैठे रहे सानू बिलों की कापी तक नहीं दी गई वो इस करके नहीं दी गई क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने पहला भी मिली भुगत करके भाजपा के नाल जिहड़े 2019 तो जिन्हों पता सीगा जिन्हों के आप दे कांग्रेस के मैनीफेस्टो दे विच सी उन्होंने अज भी मोदी सरकार के नाल मिली भुगत करके जिहड़ा ये ड्रामा लिया जिहड़ा उन्होंने कल अंदरले के बयान तो भी साबित हो गया क्योंकि मोदी सरकार ने उन्होंने कहा भी पंजाब च किसानां दा गुस्सा बहुत बढ़ता जा रहा प्रदर्शन बहुत वड्डे लैवल ते हो रहे हैं तुसीं किसानां दे जिहड़े धरने हैं उन्होंने चुकाउण लई कोई राह लभो तुसीं देखो बिल लैके आता सेंटर दी अमेंडमेंट दा पहली गल ही विधानसभा खड़े होकर मुख्यमंत्री साहब ने की कही आ देखो जी मैं हुण जिहड़ी अमेंडमेंट ले आंदी बिल ले आंदा हुण जिहड़े किसानां नूं बेनती है तुसीं धरने चक लो ये गल तो साफ हुंदा है कि मोदी सरकार दी कहण ते एक ड्रामा मोदी दे नाल मिलके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिहड़ा उह खेडिया जिहदे नाल इन्हां ने कल साबित करता विधानसभा च कह के भी तुसीं जिहड़े आ धरने आ किसानां नूं चक लो किसान धरने कल ही चक्कण जे तुसीं कहने हो कि असीं जी उहदे च अमेंडमेंट करती असीं परचा देवांगे जिहड़ा 3 सालां जिहड़ा MSP तों घट खरीदू सेंटर ने CCL लिमिट बंद कर देनी है तुसीं कहने हो असीं खरीद नहीं सकते साडे कोल पैसे है नहीं व्यापारी कहूगा जी मैं पंजाब चाहूँगा तो जे मैं इहदे तों घट खरीदूंगा MSP तों मेरे ते परचा होगा तो दसो किसान जाऊगा किधर नूं उहदे खरीदूगा कौन सो इह किते ना किते पंजाब दे किसानां नूं जिहड़े अज आर पार की जिंदगी मौत की जिहड़ी लड़ाई लड़ रहे उन्होंने नाल कल असी समझते हाँ बहुत वड्डा धोखा होयागा कल असी विधानसभा के अंदर भी साडे लीडर ऑफ ओपोजिशन ने अमन अरोड़ा जी ने कल असी भी अंदर यह सवाल चुके सीगे कि तुसी जे थोड़े कोले इनकम दे सोर्स नहीं हैगे इहदा कोले लोकां दी गलती थोड़ी है पंजाब कोले किन्ने स्रोत ने पंजाब दे विच अज घट्टो घट 70,000 करोड़ दा मैं कहना जे पंजाब सरकार MSP नहीं दे सकती गरंटी तो अस्तीफा दे दें कैप्टन साहब असी करके दिखा देंगे ये थोड़ी होंगे सरकारों को बहुत साधन होंगे ने सरकारों को बहुत पावर होंगे ने सो कितना कितने भज रहे हैं सिर्फ 2 तरीके करके जोड़ा बिल है वह लुकोया जाता है विरोधी पार्टी तो जब तो सरकार ने खुद ना पढ़िया हो सू तो आप नहीं पता या फिर वो कुछ लो जी विरोधी पार्टियां तो या लोगों तो लुकाने वाली गल हो तो लुकाने वाली गल्ला करके सानू बिल्कुल ऐन मौके पर बिल दिता असी किसानों करके साथ दिता कि यह ना मैसेज आए कि जोड़े ने कोई राजनीतिक पद्धर से कोई इतने जोड़ा असी दो फाड़ा सो मैसेज तो असी दिता पर अज फिर कहने साडे अपोजिशन दे लीडर भी आ गए ने थोड़ा हिंदी में अज फिर ना क्या विरोध है हाँ जी और हमारा विरोध ये है कि ये कानून नहीं बनाए ये सिर्फ अमेंडमेंट की तजवीज की है और अमेंडमेंट भी उन कानूनों में जो सेंटर ने ऑलरेडी बनाए हैं वो अपने ही कानूनों में अमेंडमेंट कैसे कर देंगे इससे पहले किसान जो हैं वो रेलवे लाइनों पर बैठे हैं लड़ाई तो सेंटर के साथ ही है लड़ाई में लड़ाई का तो कोई बदलाव हुआ नहीं लड़ाई उन्हीं के साथ चलेगी लेकिन कांग्रेस इसको ये समझ रही है हमने जीत लिया जी कैप्टन साहब ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी जी किसानों का रखवाला बन गया नो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है ये कैप्टन साहब ऐसे पहले भी करते रहे हैं वो हर घर में एक लिखती रूप में कार्ड दे के आए थे गारंटी कार्ड के कैप्टन ने सौ चुकी तो थोड़ी नौकरी पक्की मतलब घर